पुरानी रंजिश के चलते बदले मर्डर की ये वो खौफनाक कहानी है जिसे देखने और सुनने वाले भी हैरत में पड़ गए। दरअसल रविवार को दिन दहाड़े पुरानी रंजिश को लेकर चाचा भतीजे को मौत की खाट उतार दिया गया। वारदात के बाद हत्यारे मौके से फरार हो गए, लेकिन पुलिस हत्यारों को गिरफ्तार नहीं कर पाई। इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों को नामजद किया, जिसमें बिजनौर पुलिस ने सभी आरोपियों पर 25,000 के इनाम की घोषणा की है। चलिए आपको पूरी वारदात के बारे में रूबरू कराते हैं। दरअसल पुरानी रंजिश को लेकर गांव के ही एक पक्ष द्वारा चाचा भतीजे की गोली मारकर जान ले ली गई। पुलिस ने मृतक परिजनों की तहरीर के आधार पर 6 नामजद के खिलाफ मुकदमा लिख लिया था और पुलिस ने तभी से सभी आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी, लेकिन 24 घंटे बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। रविवार को दिन दहाड़े थाना शहर कोतवाली इलाके के गांव धोकलपुर के रहने वाले धीर सिंह और उसके भतीजे अंकुर को गांव के ही अनुज ने अपने साथियों के साथ मिलकर ताबड़तोड़ गोलियों से भून दिया। हत्या की वजह पुरानी रंजिश है। दरअसल साल 2015 को 15 अगस्त के दिन गांव के एक निजी स्कूल में झंडारोहण के दौरान अमन सिंह की गांव के ही अंकुर ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। अमन सिंह की हत्या के मामले में अंकुर, जगवीर और धीर सिंह नामजद किए गए थे और ये तीनों लोग जेल गए थे। 2 साल पहले धीर सिंह और अंकुर जमानत पर जेल से बाहर आए थे और जगवीर अभी भी जेल में ही बंद है। ग्राम धौकलपुर थाना कोतवाली में 2015 में हत्या के मामले में गिरफ्तार शुदा अभियुक्त धीर सिंह और अंकुर जो जमानत पर बाहर आ गए थे, इनके विपक्षियों द्वारा कल ताबड़तोड़ फायरिंग करके इनकी हत्या कर दिया था। इन अभियुक्तों को गिरफ्तारी का प्रयास किया गया, अभी नहीं हुए हैं। इन पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। जो कोई सूचना देगा या गिरफ्तारी में सहयोग करेगा उनको 25,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। इनके कुर्की की भी कार्रवाई अतिशीघ्र कराई जाएगी। मृतक अमन सिंह के बेटे अनुज ने अपने पिता की हत्या का बदला लेते हुए अपने 5 दोस्तों के साथ मिलकर अंकुर और धीर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद पर एसपी और मुरादाबाद डीआईजी ने घटनास्थल का जायजा लिया था। बिजनौर से नईम अहमद, न्यूज़ 1 इंडिया।